अस्सलाम वालेकुम जी, हारिस अहमद बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के अंदर हमारी जो मुसीबतें या मसले मसाइल हैं इनको दूर फरमाए और हमें सीधे रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज मैं आप लोगों के पास एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम जी ऑर्चर्ड मॉल है। इसको मैं पहले भी ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ के अंदर शेयर कर चुका हूँ। आज जो मैं इसके अंदर, पहले मैंने इसमें डिफरेंट शॉप्स के हवाले से बातचीत करी, आज मैं इसके अंदर जो है होटल अपार्टमेंट के हवाले से बात करूंगा। होटल अपार्टमेंट का आपको एक ओवरव्यू भी दूंगा कि होटल अपार्टमेंट्स होते ही क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस ऑर्चर्ड मॉल की, तो इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो मेन रायबन रोड के ऊपर फेज 4 की बिल्कुल मेन एंट्रेंस पर ही इसकी लोकेशन है। अगर हम फ्लोर वाइज बात करें तो इसमें बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर जो है असलम सुपर मार्केट आ रही है, पूरे का पूरा बेसमेंट जो है उसे कवर्ड होगा, पूरी की पूरी सुपर मार्केट बने की बहुत ज़बरदस्ती है। इसी तरीके से फिर हम अगर बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है डिफरेंट ब्रांड्स आएंगे, जिन लोगों ने वहाँ पर ऑलरेडी बुकिंग करवा ली है उनको भी हमने प्रॉपरली इसी तरीके से गाइड किया था, और जो फर्दर करवाना चाहते हैं उनको भी बताया था कि इसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स आएंगे। इसमें कपड़ों के ब्रांड्स आ सकते हैं, इसमें ज्वेलरी के ब्रांड्स आ सकते हैं, और डिफरेंट ब्रांड्स जो भी आना चाहें वो इसमें आ सकते हैं। आप अपना कोई भी ब्रांड जो है वो भी इसमें खुद ऑपरेशन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं आपका अगर कोई ब्रांड है तो। प्लस आप इसकी रेंटल इनकम भी बाद में एंजॉय कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त इसका पैकेज है, वो भी मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ। इसके बाद फिर इसका सेकंड फ्लोर आता है। सेकंड फ्लोर के अंदर जो है वो कुछ ब्रांड्स होंगे और बाकी जो है फूड कोर्ट और प्ले एरिया का ये पूरे का पूरा फ्लोर होगा, जिसमें प्ले एरिया होगा बच्चों के लिए, जिसमें फूड कोर्ट होगा और कुछ डिफरेंट शॉप्स वगैरह होंगी। इसके बाद फिर थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर है जो कि होटल अपार्टमेंट्स है। अच्छा, होटल अपार्टमेंट्स ये जस्ट लाइक आपकी जो बुकिंग है वो एज अपार्टमेंट होगी, जिस तरह अपार्टमेंट्स हम खरीदते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट, वन बेड अपार्टमेंट, टू बेड अपार्टमेंट, जस्ट लाइक आपने उसी तरीके से इसको फॉलो करना है। प्रोसीजर को आपने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, ये आपके नाम पे हो जाएगा। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ये किसी भी, मतलब इस वक्त हमारी दो तीन होटल्स के साथ बातचीत चल रही है, होपफुली एक आधा भी फाइनलाइज हो जाएगा जल्द। तो अब इसमें डिफरेंट, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ब्रांचेस हैं, पीसी का है, होटल वन, इसी तरीके से हवाई एक्सप्रेस, इसी तरीके से अरमादा, तो इनमें से किसी ना किसी के साथ इंशाल्लाह ताला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो ऑपरेशनल होता है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। इसका क्राइटेरिया कि 12 महीने में से 11 महीने तक आपको इसकी जो है वो रेंटल इनकम मिलती है, और एक महीना आपको एज अ गिफ्ट मिलता है कि आप चाहें तो इसको खुद यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रहने के लिए या अपने किसी रिलेटिव के रहने के लिए, आप इसको ले सकते हैं इस होटल को। और फैसिलिटीज़ आपको सारी की सारी जो है वो एज होटल में जो मिलती है सारी की सारी वही होंगी, फर्निश्ड होगा, हर चीज़ होगी रेडी। तो ये आपको एक महीने के लिए पूरे साल के अंदर आपको इन्विटेशन मिलती है, चाहे तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप ओवरसीज़ हैं, आप अपना प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान आने के लिए, तो आपको एक तो रेंटल इनकम मिल रही है, प्लस क्या है कि जब आपको खुद आना है तो आप उससे पहले अपनी रिजर्वेशन करवा लें, अपना ही जो आपका रूम होगा उसकी हो जाएगी, आपको कोई उसकी कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ेगी, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है एक महीना। और अगर आप चाहो तो आप वो कॉम्प्लीमेंट्री ना लो और आप उस मंथ की अभी जो रेंटल इनकम है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह ये वर्क करता है जो होटल अपार्टमेंट है। जो मेरे यूरोप के क्लाइंट्स देख रहे हैं या यूके के या अमेरिकन क्लाइंट्स जो देख रहे हैं, उनको ये आइडिया होगा बहुत अच्छे तरीके से कि होटल अपार्टमेंट किस तरह वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा ये भी होटल अपार्टमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अब ये काम शुरू हो गया है यहाँ पर भी इस तरीके से। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, और सेफ एंड साउंड होती है, किसी अच्छे ब्रांड के साथ आप लोग मुंसलिक होते हैं, और आप लोग इवन बता भी सकते हैं फ़खर से कि हमारा फ़लाँ जगह पे जो है फ़लाँ होटल के साथ जो है एग्रीमेंट है और हमें अकोमोडेशन मिल सकती है ईजीली फॉर अ मंथ। तो ये एक ओवरऑल जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम इसकी प्राइसेस की बात करते हैं तो प्राइसेस बहुत रीजनेबल है, अगर हम एज अ होटल इसको देखें, होटल अपार्टमेंट को स्टार्टिंग फ्रॉम 29,90,000 से जो है इसकी प्राइसेस स्टार्ट होती हैं स्टूडियो अपार्टमेंट की। इसी तरीके से फिर इसके पर स्क्वायर फीट जो है वो है, वो मैं डिटेल में आपको जो है आपकी स्क्रीन पे भी शो करता हूँ कि इसका फ्लोर प्लान कैसा होगा और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी जी। तो ये आपको मैं गाइड करता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो होटल स्टूडियो अपार्टमेंट है, ये वन बेडरूम का है, इसकी 261 स्क्वायर फीट टोटल एरिया है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो टोटल प्राइस जो है वो 29,90,000 रुपीज़ इसकी टोटल प्राइस है, और इसके अंदर एक बेडरूम, एक लॉन्च और एक वॉशरूम और एक टी एरिया, इतनी अकोमोडेशन होती है इसके अंदर। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं होटल स्टूडियो अपार्टमेंट वन बेडरूम की,
तो इसका एरिया जो है वो पहले वाले का जैसा मैंने आपको बताया था 261 है, इसका जो है वो 315 स्क्वायर फीट है। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो 39,90,000 रुपीज़ जो है वो इसकी टोटल प्राइस है। इसके अंदर भी सेम जी अकोमोडेशन है, वन बेड है, वन लॉन्च है, वन बाथ है, एक टी एरिया है, बस साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वन बेडरूम होटल अपार्टमेंट 522 स्क्वायर फीट की, अब ये एरिया और बड़ा हो गया है। इसके अंदर जो है वन बेडरूम, वन बाथरूम, वन किचन एंड डाइनिंग एंड लॉन्च, ये इसके अंदर है। और इसकी प्राइस अगर हम देखें तो 56 लाख रुपीज़ जो है वो इसकी टोटल प्राइस है। इसी तरीके से टू बेड होटल अपार्टमेंट जो है वो 628 स्क्वायर फीट का है। इसके अंदर दो बेडरूम्स हैं, टू अटैच वॉशरूम्स हैं, किचन एट है, डाइनिंग एंड लॉन्च है। और इसकी जो टोटल प्राइस है वो 69 लाख रुपीज़ है। इन सब की जो रेंटल इनकम है वो इनकी टोटल प्राइस से कैलकुलेट की जाएगी। इनिशियली जो है वो पर एनम 6% होगी, और इसके बाद आफ्टर 3 ईयर्स जो है वो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 25% जो है वो आपकी इंक्रीज होगी आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, ये आपका टोटल 10 साल का एग्रीमेंट हो सकता है इनके साथ। इसमें जो एक अच्छी चीज़ है कि आपको टेनेंट ढूंढने की भी जरूरत नहीं होगी। ये एज अ होटल अपार्टमेंट यूज़ हो रहा होगा, एज अ होटल यूज़ हो रहा होगा, तो आपको जब खुद इसमें रहना हो तो आप पहले अपनी रिजर्वेशन करवा सकते हैं। ठीक है, पूरे साल में 1 महीने के लिए, और बाकी टाइम जो है ये ऑटोमेटिकली आपकी एडिक नहीं होगी कि टेनेंट से आपने बात करनी है व्हाटएवर, क्योंकि ये मुश्किल होता है ओवरसीज लोगों के लिए भी कि टेनेंट ढूंढें और उसके बाद उनके साथ कम्युनिकेट करें और कुछ इश्यूज हों तो उसको मसलों को मसाइल को करें। प्लस आप इसमें देखें तो आपको कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, नथिंग। आप जस्ट अपनी एक जो है हैंडसम रेंटल इनकम जो है वो इंजॉय कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, वो आपके साथ एग्रीमेंट होगा होटल वालों का, 10 साल का एग्रीमेंट होगा। मैं आपको थोड़ा सा उसमें भी गाइड कर देता हूँ कि इनिशियली जो है वो पर एनम 6% है, और उसके बाद ये इंक्रीज हो के अप टू 25% आफ्टर 3 ईयर्स जो है वो 25% इंक्रीज होगा, उसके बाद हर साल ये इंक्रीज होता रहेगा। तो ओवरऑल एक अच्छी आपकी हैंडसम अमाउंट बन जाएगी, जो कि अगर हम देखें तो अगर हम कोई घर लेके भी किराए पे चलाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें आपने 2-3 चीज़ें देखनी है कि घर चढ़ तो जाता है किराए पे, फिर आपको टेनेंट के साथ डेली बेसिस पे खुद बात करनी होती है, और इश्यूज हम देखते हैं कि फेस करने पड़ रहे होते हैं दोनों पार्टीज़ को। और प्लस जब भी टेनेंट चेंज होगा तो आपको जो है घर की रेनोवेशन करनी पड़ती है, तो एक फिक्स कॉस्ट आपकी मेंटेनेंस चार्जेस की नज़र में होती है। तो इसमें ऐसा सच नहीं है, इसमें आपने जस्ट बाय किया और उसके बाद आपने आगे दे दिया है, और आप उसकी रेंटल इनकम अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। प्लस क्या होता है जब इस तरह की चीज़ बन जाती है, रेंटल इनकम तो एक पॉइंट है जी, अगर हम देखें तो जो चीज़ 29,90,000 की है वो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कभी भी 29,90,000 की नहीं होगी। और जब एक ब्रांड का नाम उसके साथ लग जाएगा, किसी होटल चेन का नाम साथ लग जाएगा, तो एटलीस्ट भी 29,90,000 वाली चीज़ जो है वो 25-30% एटलीस्ट रेज कर जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये मैं एटलीस्ट आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी कर सकती है। तो ये चीज़ है कि डेफिनेटली रेंटल इनकम भी है एक पॉइंट, प्लस जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है उसमें भी चेंजेस आएंगी और पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। तो ये एक ओवरऑल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान में ये चीज़ें अब आ रही हैं तो आप इसमें खुद फ़ायदा उठा सकते हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसके नियर पे फीचर्स की बात कर रहे हैं कि ये कामयाब क्यों होगा, क्या इधर होटल की ज़रूरत थी, तो जी बिल्कुल इसमें होटल की ज़रूरत थी। इस एरिया में हमें ऐसा कोई अच्छा होटल नहीं मिलता। अगर आप बहरी आउटलेट फेस फोर से आगे की तरफ जाएं टूवर्ड्स रायगढ़, तो आपको सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया सारा का सारा नजर आएगा। सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया में आपको जिस तरह पता है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, इसके अंदर लोग आते हैं अब्रॉड से, वो काम वर्कर्स वगैरह करने के लिए, सारा कुछ मशीनरीज वगैरह को हैंडल करने के लिए और डिफरेंट टास्क के लिए, तो उन लोगों के लिए नियर बाय कोई अच्छा होटल नहीं है, तो वो इस होटल को यूटिलाइज करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। उनको फिर वही गुलबर्ग और माल रोड की तरफ जाना पड़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है। प्लस अगर आप देखो तो आप एयरपोर्ट से जब आते हो तो एयरपोर्ट से आप रिंग रोड पर आपने चढ़ना है, और 15 से 20 मिनट की ड्राइव के अंदर आप जो है वो फेस फोर के गेट पर पहुँच जाएंगे। और मतलब कि 15 से 20 मिनट में अगर आपको एयरपोर्ट से होटल अपार्टमेंट तक पहुँच रहे हैं, तो आई गेस ये बहुत रीजनेबल एक डिस्टेंस होगा और बिल्कुल एक साफ सुथरी सी रोड है। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें, इंशाल्लाह यू विल गेट अ गुड एडवांटेज ऑन दिस। Keep in touch with us for latest property trends updates. Thank you very much. Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।